अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप जहाँ भी रहें पूछ रहें, अल्लाह ताला आप पे बेशुमार रहमतें नाजिल करें। और आज हम बनाने लगे हैं गोभी गोश्त। सबसे पहले ऑयल डालेंगे 3 चम्मच, उसके बाद हम प्याज डालेंगे, ऑन करेंगे, अब हम थोड़ी देर के लिए प्याजों को ब्राउन करेंगे। अब हमारे प्याज फ्राई हो गए, अब इसमें लहसुन डाल देंगे, अब हमारा लहसुन और प्याज जो है ना वो फ्राई हो गए, अब टमाटर और अदरक में डाल देंगे। टमाटरों की मैंने पहले से पेस्ट तैयार करके ना फ्रिज में रखी हुई थी, वो मैंने डाली है, क्योंकि आज मेरे घर टमाटर ताज़ा टमाटर नहीं थे, मैंने पेस्ट डाल दिए, ये देख सकते हैं। अब मैं इसमें नमक मिर्च शामिल करूंगी, नमक मिर्चे, डेढ़ टेबलस्पून नमक, हल्दी आधी चम्मच, अब इन सारे मसालों को थोड़ी देर के लिए भुनेंगे, फिर इसके बाद इसमें गोश्त शामिल करेंगे। माशाल्लाह से अब हमारा मसाला रेडी है, अब इसमें हम 2 टीस्पून सूखा धनिया और जीरा ये शामिल कर देंगे। अब इसमें मुर्गी डाल देंगे, माशाल्लाह से हमारी मुर्गी गल गई है अच्छी तरह और फ्राई भी हो गई है। अब हम इसमें गोभी शामिल करेंगे, देर के लिए 10 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देंगे गोभी को, जब गल जाएगी तो फिर इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी अच्छी तरह गल गई है, अब हम इसमें सब्ज मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर देंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। बस अब हम इसमें एंड पे कुछ बारीक किया हुआ कुछ सूखा धनिया और गरम मसाला शामिल कर देंगे 2 चम्मच, और अब हमारी प्यारी गोभी और चिकन तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया गार्निश कर देंगे, अब आप इसकी लुक देख सकते हैं।